रोहित कुमार जी कितने जी वार्ड नंबर 45 से मेरी अपनी शॉप है जी इतने मेन बाजार बिल्लू शाह किराना स्टोर के नाल ही जी पहली तरीक डिलीवरी हुई ही रिक्शे के बिल्लू शाह की दुकान के लागे लैके थोड़े च रोष है की कहना चाहते क्यों रोष है भाजी बड़ी शर्मनाक घटना जी उस दिन इतने वापरी हैगी जड़ा बच्चा बेचारा इतने लेडी ने सड़क के उत्ते ही जमना पै गया उन्होंने सिविल अस्पताल जो पठानकोट का डॉक्टर है उन्होंने मना कर दिया गया कि हमारे को इतने इलाज की फैसिलिटी नहीं हैगी तुम इन्हों अमृतसर लै जाओ जबकि डिलीवरी जो इतने हुई है बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ पाए गए है मेरे हड्डे सिर्फ रोष इस गल का है कि प्रशासन की जी नाकामिया है मतलब कदों तक गरीब बंद जीडिया फेस करना पेगा ये एक साल पहला भी जी डिलीवरी है सिविल हॉस्पिटल जनानी लेडी ने बेचारी ने फर्श के उत्ते बच्चा जमता ही वो दिन तो लैके अज का दिन तक कोई कार्रवाई जी नज़र नहीं आ रही सरकार वालों भी क्या तो बड़ा कुछ आ रहा सरकार वालों जगह जगह तो मोहल्ला क्लीनिक भी खोले जा रहे हैं जी अं लोगों ये स्वास्थ्य वास्ते ये फैसिलिटीज देंगे पर ग्राउंड लैवल उत्ते जी जो देखी है वो जी चीज़ है वो जीरो नज़र आती पी है जी कहते हैं हम डॉक्टर आए थे उन्होंने जच्चे बच्चे हॉस्पिटल लै जाना वो किमें फिर आए तो कितना लैके गए वो सर जो रोष व्यक्त किया गया साढ़े प्रशासन वालों सारे वालों जिन्हें भी उत्थे टीम मैंबर थे सारे वालों जो रोष व्यक्त किया गया फिर सर वो जागे है तो वह आए है उस संबंध में भी आया जो डॉक्टर उस दिन आए ही उन्होंने जी फोटो दिखाई है उस दिन लेडी डॉक्टर की उन्होंने जनानी है कहते भी जो संबंध आया कि वो अपनी वाइफ की ही प्रोटेक्ट करने वास्ते आए हैं तो जो है हूँ एक बस रोष तो बचने वास्ते जच्चा बच्चा लै गए है बाकी जी अस जी हाड़ी मंग ये है कि पहला क्यों नहीं उन्होंने उत्थे इलाज वास्ते रखा गया जरा कि बाद जो रोष व्यक्त किया गया उदो आए हैं पहला उन्होंने क्यों नहीं रखा गया उन्नी एनी सैलरी लै रहे हैं ये इतों तक भी सुनने आया जी लेडी डॉक्टर है जो हसबेंड उस दिन आया ही ये बाद दो बजे तक ड्यूटी करने के बाद अपने घर जाके प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं इन्हों तो कमाइया उतों आ रही हैं इन्होंने कितों इलाज करना माड़े बंदे का पर यह भाजी जो सू सुन चाहिए ये उत्ते कार्रवाई होनी चाहिए है ना चाहिए SMO जोड़े है सिविल सर्जन जोड़े है एक स्पैशल टीम बनाई जाए उनके वालों और जांच की जाए कि बंदे प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे अं यही मांग करते हैं कि जेडे जिस लेडी ने उस मना किया लेडी डॉक्टर ने और सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है नहीं तो फिर आपका जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा मेरा नाम अवि है जी की कहना चाहते इस मामले देखो जी शुक्रवार की गल है मैंने भी पता लगा से जो भी घटना हुई है बहुत मंदभागी घटना है साढ़े इलाके की और देखो इन्हों की इन्नी इन्नी सैलरी ला रहे हैं तनखाव बहुत ज़्यादा ने सरकारी जो कर्मचारी है पर देख रेख नहीं हैगी जो एक्चुअली सिविल हॉस्पिटल का मतलब की है कि उन्होंने इतने बहुत ही मतलब कि घट्टों घट खर्चा लोग सोचते हैं साढ़ा घट खर्चा होगा कि जाएगा या कह लो कि गरीब आदमी ज़्यादा भजदा उधर वो भजदा है ना लोड़वंद बंदा भजदा भी साडा इलाज सही तरीके होएगा घट तो घट खर्चे होएगा पर जो फैसिलिटियां है सरकार वालों जो कह तो देंगे सारा कुछ बट ये है कि इंप्लीमेंट नहीं होंगे ज थोड़ी बहुत इन मगर थोड़ी जी कार्रवाई होनी चाहिए इन मगर कुछ है ना तो देखो भी सड़क पर जच्चा बच्चा दोनों जिदा भी है कि माड़ी घटना हुई है बहुत ज़्यादा है ना बाकी सरकारों भी साड़ी यही बेनती है कि ऐदा का कुछ नहीं होना चाहिए एना तो जो भी कुछ मना करता ज माड़ा मोटा एना कोई नहीं हैंडल हों सीधे कह देंगे जी चले जाओ अमृतसर चले जाओ ठीक है लापरवाही बहुत लापरवाही है देखो तुम भी एडा वा हॉस्पिटल है सिविल हॉस्पिटल इन्ने डॉक्टर ने इन्ने उसे स्टाफ है तो फिर हार के माड़ी जी गल कोई नहीं इन्हें को क्यों नहीं होंगे इन्हें को हैंडल सारा कुछ अमृतसर क्यों रैफर कर देंगे मंग यही है जी इन्हों की जाँच होनी चाहिए ठीक है SMO साहब ने मतलब सारा मिल के जो भी है पड़ताल करनी चाहिए है जो दोषी लगता है इस मामलों
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰੀਸ਼ ਗੋਗਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਰੋਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ? ਰੋਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਾਲੇ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਰਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ, ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ, ਜੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲੀਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ CM ਸਾਹਿਬ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।